नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। ईडी ने चिदम्बरम के खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचने जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर चगवा लुंगू से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल गौर का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने भोपाल के नर्मदा अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज चंद्रयान 2 को चांद की दूसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली हावड़ा के बीच ट्रेनों की गति बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। सहारनपुर पुलिस ने पिछले दिनों हुए पत्रकार हत्याकांड मामले में शामिल 6 अभियुक्तों में से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में होने वाले जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम के आगमन और त्योहार की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। बहराइच में सपा द्वारा आयोजित किसान नौजवान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। शाहजहांपुर पुलिस ने फर्जी लाइसेंस बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 5 फर्जी लाइसेंस समेत 4 राइफल बरामद हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 10वीं बार दादा बन गए हैं। उनके बेटे एरिक की पत्नी लारा ने बेटी को जन्म दिया है। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने आतंकी फंडिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3री बार कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों में मंत्री जीन यवेंस ली ड्रियन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान के 3 पूर्व राजनयिकों ने बयान देते हुए कहा है कि अगर कोई अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है। भारत के एचएस प्रणय ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में चीन के लिन डैन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फिनलैंड के लहाटी में चल रहे शॉर्ट विश्व कप में अरिबा खान ने महिला स्कीट के पहले दिन 64 का स्कोर बनाकर भारतीय निशानेबाजों में टॉप पर अपनी जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन की बदौलत चीन से गोलर हित ड्रॉ खेलकर ओलंपिक टेस्ट इवेंट के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने यूएस ओपन क्वालिफायर के पहले दौर में बेल्जियम की यासलीन बोनावेंचुरे को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। हॉलीवुड फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन की हिंदी रीमेक का पहला लुक सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। इस लुक में परिणीति चोपड़ा खून से लथपथ एक बाथटब में बैठी नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बयान देते हुए कहा है कि वो कभी हॉलीवुड फिल्में नहीं करेंगी, क्योंकि वहां के लोग भारतीय कलाकारों के जरिए एशियन मार्केट में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सीएम राहत कोष में 51 लाख रुपए दान किए हैं। एक्ट्रेस विद्या बालन निर्देशक रितेश बत्रा के निर्देशन में अपना वेब डेब्यू करने जा रही है। ये वेब सीरीज इंदिरा गांधी की जिंदगी पर आधारित होगी। टीवी एक्टर जय भानुशाली की पत्नी माही विज मां बन गई है। माही ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की पहली तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी।